आपको हम आज बताते हैं मिलर कैसा होता है, क्या क्या इसके काम हैं और कैसे चलता है, कहां से ऑपरेट होता है। अभी आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये किसी भी गाड़ी पे हो सकता है, कोई भी कंपनी की गाड़ी रहेगी, ट्रक रहेगी। अक्सर ये 10 चक्के के ट्रक पे होता है क्योंकि इसका लोडिंग बहुत कम से कम 10 टन लोड होता है सीमेंट गिट्टी। देखिए दोस्तों, ये टैंक है, पानी टैंक, इसमें पानी होता है लगभग 500-1000 लीटर की टंकी होती है। ये इसका हांडी है, इसको बताते हैं हम कहां से स्टार्ट होगा। आइए चल के देखते हैं कहां से स्टार्ट होता है, कहां से चलता है, क्या क्या इसके काम होते हैं, इसको मैं वीडियो में बताऊंगा अभी आगे। जो दोस्त लोग नए होंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये टैंक है पानी का, ये होता है वाश कर देने से इसका सफाई का ध्यान देना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि चलते चलते सीमेंट और सब इससे गिट्टी से पूरा ये जाम हो जाता है, तो ये घूमने में दिक्कत होने लगता है, तो इसके गियर पे प्रभाव पड़ता है। आइए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे इसको स्टार्ट करते हैं और क्या क्या होता है इसके। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम बोल रहे थे, इसका स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये पैनल दिया गया है। देखिए ये दो इसमें घड़ी है, एक डिजिटल है, एक एनालॉग है। ये ऑयल का है इसमें, और एक टेम्परेचर का बताता है। एक रेड एलईडी है, बैटरी का दिखाता है, और एक ये वाटर का दिखाता है। इसका कनेक्शन के अनुसार ये कम ज़्यादा जो होता है तो बता देता है। ये देखिए, स्विच स्टार्ट करने वाला है, ठीक यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहीं पे जस्ट नीचे इसका बैटरी लगा हुआ है, गाड़ी का डबल बैटरी होती है इसमें। देखिए जस्ट बगल में ही इसका ये इसके गियर को ठंडा करने के लिए ये पंखा लगा हुआ है। उसमें गियर ऑयल है, जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है, जो हाइड्रोलिक का काम करता है वो चलाने के लिए, वो चलता है। उसको ये इसमें ऑयल होता है, उसको ये ठंडा करता है। देख लीजिए, इसका भी स्विच यहीं से होता है। ये वैसे तो होता है ऑटोमेटिक, लेकिन कहीं कहीं इसको मैनुअल भी कर दिया जाता है अपने हिसाब से। देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें दो इंजन होते हैं, एक तो मेन इंजन ट्रक का होता है और एक हांडी के लिए अलग से इंजन होता है। देखिए, देख रहे हैं ना, चार सिलेंडर का इंजन होता है इसमें, तो इसको देख लीजिए ढंग से। देखिए, चलिए आइए हम दूसरे तरफ से भी दिखा देते हैं इसको क्या है। देखिए दोस्तों, ये तो ऐसे एक बॉक्स बना दिया गया है अपने सुविधा अनुसार। ये देखिए, बता रहे थे कि इसका जो वाश करने वाला होता है यहाँ से, देखिए ये बना है, ये देखिए ये नॉब है, ये चालू करेंगे इस पाइप के जरिए हांडी में चला जाएगा इस पाइप के जरिए। ये यहाँ से इसका डबल वाल लगा दिया गया है, कभी एक स्टार्ट रहेगा तो एक बंद रहेगा। और ये देखिए, ये अलग से ये है, इसको एक एक्स्ट्रा पाइप होता है जिसमें कि इसको हम धो सकते हैं, जहाँ से माल अनलोडिंग होता है। चलिए ये देख लीजिए, प्रेशर होता है, ये थोड़ा पतला होता है, ये इसका प्रेशर से निकलता है इसमें पानी, तो थोड़ा धोने में आसान रहता है। हांडी को घुमाने के काम में आता है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये छोटा वाला है, ये एक्सलेटर का है, ये बड़ा वाला है, ये हांडी को राउंडिंग कराने के काम में आता है। आगे करेंगे, इधर करेंगे, इस साइड में करेंगे तो लोडिंग पे रहेगा, अनलोडिंग पे रहेगा, और इस साइड में करेंगे बाहर की दिशा में तो लोडिंग पे रहेगा। एक्सलेटर बाहर की दिशा में खींचेंगे तो ज़्यादा होगा, इधर करेंगे तो कम होगा। ये लॉक है, ये लॉक होता है, देखिए लॉक करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है, वो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
आगे देखते हैं चल के। ये वाटर सप्लाई पंप है, इसी से पानी ये हांडी में जाता है। पाइप 13-25 ही है और इसमें शायद लगता है ये 12-80। देखिए इंजन में, हर इंजन का अलग अलग बेल्ट होता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एडजस्ट कर देते हैं, अगर बेल्ट कभी ढीला होता है तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ कि आपको जितना मैं बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आगे वीडियो में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।